मैं अर्पिता परमार आज दिन भर की तमाम खबरों के साथ आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कांटी प्रखंड स्थित बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 12 वर्षीय बच्चे की डूबने से हुई मौत। मुजफ्फरपुर विशेष न्यायालय में भारत बंद के दौरान रेल रोकने के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 23 भाजपा नेताओं की हुई पेशी। और काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आम गोला में गुरुवार की देर रात अपराधियों ने सरेआम युवक की गोली मारकर किया घायल। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। कांटी प्रखंड स्थित बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 12 वर्षीय बच्चा डूब गया, जिसके बाद गांव में कोहराम मचा गया। जिले के कांटी स्थित बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान 12 वर्षीय बच्चा डूब गया। वहीं एक बच्चा सकुशल बाहर निकल गया। डूबे हुए बच्चे की पहचान वार्ड 12 के चंद्रभूषण प्रसाद के बेटे शिवम कुमार के रूप में हुई है। वह 6ठी क्लास में पढ़ता है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। छात्र की मां गायत्री देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। छात्र की खोजबीन नदी में जारी है, लेकिन अब तक उसका सुराग नहीं मिला है। बच्चे की मां ने बताया कि आज शिवम और मोहित नदी में चुपके से नहाने चले गए थे। दोनों नहा रहे थे, तभी शिवम गहरे पानी में चला गया और वह डूब गया। वहीं मोहित किसी तरह बाहर निकला, तभी वहां से एक बाइक सवार युवक जा रहा था। उसने मोहित को देखकर पूछा तो उसने पूरी बात बताई। युवक ने गांव के लोगों को बुलाकर घटना की जानकारी दी। पानी गहरा होने के कारण स्थानीय लोग खोज भी नहीं कर सके। इसके बाद SDRF की मदद ली गई। देर शाम तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। कितने बजे तीन आदमी से। अच्छा, कितने बजे सब आए? 12 बजे में। अच्छा, कौन से नाम है बेटा के? शिवम कुमार। अच्छा, ये वाला कौन लड़का? वो जाते है, ओकर मोहित कुमार नाम है। अच्छा, तू निकल गए अपने? हाँ, वो अपने निकल गए। एकर उम्र कितना है बेटा? 12 साल। पढ़ाई लिखाई करत रहले? पढ़ाई लिखा पंचमा में छठा में पढ़ते रहे। कैसे सूचना मिल लगा गया थी? घर गल कहे लड़का सके बोलो गौतम डूब गए लड़का एगो डूब गया कहे एगो लड़का डूब गया है बोलो। तो तब आप लोग आए? तब सब गोरा हम सब दौड़े तलिए को मोटरसाइकिल से को कुछो से सब गोरा आबे गेलिए। कहिया से पानी बढ़ रहा? कल से कह दो ज्यादा पानी है। नहाने आया था सब ना? हाँ, चोरा के मम्मी सब अपना चुप पे। कौन वार्ड है? 12 वार्ड है। जो चुप पे वो चोरा के आल है, जो नहा के निकल जाम, कपड़ा ये निकाल के धैले है, जो पहन के निकल जाम घरे घरे पता न चलत। नाम कथी बोल आपका? आपका नाम? गायत्री देवी। गाँव के ना अपने जाग अथी पोता भले पिते जाओ तो पोता भले। पुलिस आई? रेल रोकने की सुनवाई मामले में मुजफ्फरपुर विशेष न्यायालय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 23 भाजपा नेताओं की पेशी हुई। MP MLA विशेष न्यायालय में बुधवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 23 भाजपा नेताओं की पेशी हुई। मंत्री के अलावा भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय, वैशाली सांसद वीणा देवी सहित सभी नेता कार्यकर्ता सदैव कोर्ट में उपस्थित हुए। ACJM एक विकास मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल मामला यह है कि 2014 में भारत बंद के दौरान इन नेताओं ने रेल रोका था, जिसको लेकर रेलवे कोर्ट सोनपुर में इन नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब यह परिवाद MP MLA कोर्ट में ट्रांसफर होकर मुजफ्फरपुर पहुंचा, जिसमें तमाम नेताओं की पेशी हुई है। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उस समय UPA की सरकार थी। कांग्रेस ने एक सोची समझी साजिश के तहत उन लोगों को मुकदमे में फंसाया है। माननीय कोर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा है, उन्हें न्याय मिलेगा। प्रतिक्रिया नहीं, हम लोग 23 लोगों का के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था, वही आज की कोर्ट में। ये 2014 का केस था और रेलवे ने केस किया था झूठे आरोप लगा करके,
वही केस ट्रांसफर हुआ है और आज मजिस्ट्रेट के सामने हम अपना बयान दिए हैं हम लोग सब। इधर शुक्रवार को प्रभारी टाउन डीएसपी थानेदार और जिला पुलिस की विशेष टीम के साथ अघोरिया बाजार से लेकर आमगोला समेत कई इलाकों का सीसीटीवी खंगाला गया, जिसके आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। डीएसपी सियाराम यादव ने बताया कि अब तक घटना का वजह पता नहीं चला है। गोली से जख्मी युवक महज 20 साल का है, 2 गोली लगी है, निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जो रेलवे कोर्ट सोनपुर में चल रहा था, ये पहले ही ये लोग बेल ले चुके थे, इसमें से 23 एक्यूज लोग बनाए गए थे। जब एमएलए एमपी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब बना है तो रेलवे कोर्ट से केस ट्रांसफ़र होकर के मुजफ्फरपुर एमपी एमएलए कोर्ट में स्पेशल कोर्ट में आया है और यहाँ पर वही फर्स्ट अपियरेंस था, आज डेट था। 23 आदमी इसमें एक्यूज थे, मुख्य रूप से माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, माननीय राजस्व मंत्री रामसूरत राय जी, बीना सिंह जी एमपी, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी, उसके अलावे अन्य कार्यकर्ता लोग, उस समय के जो पूर्व अध्यक्ष थे अरविंद जी, अंजू रानी जी, देवांशु किशोर, कमलेश्वर प्रसाद, केपी पप्पू, विनोद कुमार कुशवाहा, देवी लाल, शशि भाई, रितेंद्र कुमार, इस तरह से 23 आदमी टोटल थे इसमें। आज सब कोई यहाँ उपस्थित हुआ है और प्रेयर किया गया कि चूंकि पूर्व में हम लोग बेल पर थे इसलिए उसी को उस पर हम लोगों को रहने दिया जाए और उसके बाद में एक एक्विजिशन एक्सप्लेन होता है, जिसको दूसरे भाषा में चार्ज बोलते हैं, तो एक्विजिशन एक्सप्लेन हुआ। अब एक प्रक्रिया पूरी होगी, अब इसको है कि स्पीडी ट्रायल में ख़त्म करना है, 6 महीने का टाइम दिया गया है इसमें। अब समन जाएगा गवाह के ऊपर और जितना जल्दी हो सकेगा गवाह आएंगे, उसके बाद में केस का निष्पादन होगा। मॉनसून के दस्तक के साथ ही जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मॉनसून को देखते हुए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए जिले की बूढ़ी गंडक नदी सहित गंडक बागमती नदियों के जलस्तर की जानकारी एकत्रित करने के साथ ही नदी किनारे बसे गाँव को लेकर भी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष बूढ़ी गंडक नदी में आई बाढ़ के दौरान हुए नुकसान को देखते हुए प्रशासन किसी भी आपात स्थिति को लेकर पूरी तैयारी रखना चाहती है। गत वर्ष की बाढ़ में हुए नुकसान का असर आज भी क्षेत्रवासी झेल रहे हैं। जून से सितंबर तक मॉनसून के मौसम में जिले में नदी तट क्षेत्र में अति वर्षा से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए इससे होने वाली क्षति से बचाव और अति वर्षा बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जल संसाधन विभाग बाढ़ पूर्व तैयारियां करने में जुट गई है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता इंजीनियर बब्बन पांडे ने निर्देश दिए हैं कि वर्षा पूर्व से जिले के बड़े बांधों के संधारण एवं आवश्यक मरम्मत कार्य 15 जून तक पूर्ण करा लिया जाए। जिले के प्रमुख नदियों तथा बांधों के जलस्तर की जानकारी प्रतिदिन नियमित रूप से जिला कंट्रोल रूम को दी जाए। जल संसाधन विभाग द्वारा जिला स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे शुरू रखने के लिए कर्मचारियों की 8 से 8 घंटे की ड्यूटी लगाई जाने एवं कंट्रोल रूम पर नियुक्त कर्मचारी एवं अधिकारियों के नाम, पदनाम, पता, मोबाइल नंबर की सूची जिला बाढ़ कंट्रोल रूम को 15 जून तक देने को कहा गया है। इसके साथ ही बांध के संबंध में संबंधित विभाग से जल निकासी के पूर्व सूचना का आदान प्रदान किए जाने एवं वर्षा काल के दौरान बूढ़ी गंडक नदी में नेपाल से छोड़े जाने वाले पानी की नियमित रूप से सूचना जिला अधिकारी एवं जिला बाढ़ कंट्रोल रूम को दिए जाने की भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि पिछली बार नेपाल से पानी छोड़ दिए जाने के बाद अचानक नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा था। इस तरह की संभावना फिर न बने इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही है। बांधों पर सैंड बैग जमा किया जा रहा है, साथ ही कमजोर बांध की शुद्धिकरण का काम भी शुरू कर दिया गया है। मेरे क्षेत्राधीन बूढ़ी गंडक नदी का दायां और बायां तटबंध आता है, ये दोनों तरफ मिला करके लगभग 98 किलोमीटर तटबंध है और जहाँ पर जिस तटबंध के जिस बिंदु पर
नदी सट करके बहती है, हम लोग उसको संवेदनशील मानते हैं। जितने भी संवेदनशील स्थल हैं जैसे बहादुरपुर कोठिया है, बरियारपुर मठिया, मोरसंडी मठिया, राजबाड़ा, चांदपरना, ढोली, इन सब स्थानों पर हम लोगों ने बालू भरे बोरे को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। और जैसे ही नदी कटाव करती है या नदी बांध को क्षतिग्रस्त पहुंचाती है तो हमारे सीनियर अफसर अध्यक्ष कहे जाते हैं बाढ़ संघर्षात्मक दल के, वो आते हैं और उनसे परामर्श ले करके वो जिस तरीके से कार्य कराने को कहते हैं उस तरीके से हम लोग कार्य को कराते हैं। तो चिन्हित किए हैं जो कमज़ोर जगह हैं उनको लेकर? कमज़ोर जगह जहाँ नदी सटती है हम लोग उस पॉइंट को संवेदनशील कहते हैं और उसी पर हमारी तैयारी रहती है। अभी मैंने आपको बताया कांटी प्रखंड में है बहादुरपुर कोठिया, मोतीपुर प्रखंड में है मोरसंडी मठिया, बरियारपुर मठिया, फिर इधर मुसहरी में आ जाइए दरधा, और आपको जो है सकरात पंचायत में आ जाता है ढोली, इन सब जगहों पर हम लोग पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं। भाकपा माले के सदस्यों ने राशि भुगतान की मांग को लेकर टावर चौक पर सहारा सुप्रीमो सुब्रतो राय का पुतला जलाया। सहारा इंडिया सुप्रीमो सुब्रतो राय के जन्म दिवस के अवसर पर शुक्रवार को भाकपा माले ने भुगतान दिवस मनाकर शहर के सभी सहारा इंडिया के शाखाओं पर धरना दिया। तत्पश्चात भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने सरायगंज टावर स्थित सहारा इंडिया के सुप्रीमो सुब्रतो राय का पुतला जलाकर निवेशकों को जल्द भुगतान करने की मांग की है। वहीं भाकपा माले नगर सचिव सूरज कुमार ने कहा कि आज सहारा श्री का जन्म दिवस है जो हमेशा प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, लेकिन आज हमारी पार्टी ने इसे भुगतान दिवस के रूप में मनाया है। मोदी नीतीश सरकार देश व बिहार के करोड़ों जमाकर्ताओं के जमा पैसे के भुगतान के सवाल पर आपराधिक लापरवाही बरत रही है, जिस दौर में आर्थिक तंगी का शिकार होकर जंदाहा और समस्तीपुर में ब्राह्मण सहनी परिवार खुदकुशी कर ले रहे हैं। उस दौर में सहारा इंडिया में बिहार के करोड़ों जमाकर्ताओं के पैसे का भुगतान नहीं होना एक गंभीर बात है और इन सवालों पर दोनों ही सरकारें चुप है। हम सभी जमाकर्ता अभिकर्ता कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों से हमारी पार्टी के द्वारा आयोजित 28 जून के बिहार विधानसभा के घेराव को सफल करने की अपील की गई है और पार्टी को पूरा विश्वास है कि यह विधानसभा घेराव ऐतिहासिक घेराव होगा। जून सहारा इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन होता है, जिस दिन सहारा श्री का जन्मदिन होता है उस दिन पूरे देश में ये प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हमारी पार्टी ने कहा कि जब करोड़ों निवेशकों का जब भविष्य अंधकार में है, जब करोड़ों निवेशक यहाँ पर मांगे फिर रहे हैं, उस समय में आज प्रेरणा दिवस नहीं बल्कि भुगतान दिवस मनेगा। और आज सुबह से ही सहारा इंडिया के जितना भी शाखा है इस शहर के अंदर में तमाम शाखाओं पर भुगतान दिवस को मनाते हुए आज सहारा श्री का पुतला हम लोग इस टावर चौक पर जलाने का काम कर रहे हैं। और इस पुतला जलाने के साथ हम ये मांग करते हैं पार्टी के जरिए कि हम सहारा इंडिया के तमाम जमाकर्ताओं के सवाल को लेकर बिहार विधानसभा का घेराव 28 जून को हमारी पार्टी करने के लिए जा रही है। भाकपा माले 28 जून को बिहार विधानसभा का घेराव होगा। बाहर में हम सड़कों पर लड़ेंगे और अंदर में हमारे पार्टी के विधायक सहारा इंडिया में जो पैसा जमा है जमाकर्ताओं का भुगतान हो इस सवाल को लेकर वो अंदर में संघर्ष करेंगे। और हम इस देश के मोदी सरकार से, देश के नीतीश जी की सरकार से ये कहना चाहेंगे कि 1 करोड़ जमाकर्ता कोई छोटा जमाकर्ता नहीं होता। इस दौर में जिस दौर में कोरोना के कारण 3 साल में लोगों की आर्थिक स्थिति जो है ना कि बिगड़ गई, जिस दौर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार, सहनी परिवार समेत आत्महत्या करने रहा है, उस समय में जब गरीब जमाकर्ताओं का पैसा अगर भुगतान अगर नहीं होगा तो ये देश की सरकारों के लिए शर्म की बात है। इसलिए चाहे मोदी जी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, ये सरकारों को सामने आना चाहिए और सेबी से मिलकर, सुप्रीम कोर्ट से मिलकर, जिनसे भी जहां पर से सवाल हल होना चाहिए वहां पर इन तमाम लोगों को सवाल का रास्ता निकालना चाहिए। कलमबाग चौक पर तंजीब कुर्ता कलेक्शन के दूसरे शोरूम का भव्य शुभारंभ 13 जून को किया जाएगा। त्योहार के मौके पर सभी लोगों का प्रयास रहता है कि नई और कलरफुल ड्रेस पहनी जाए। आप भी अगर किसी शुभ अवसर पर नए ड्रेस लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कलमबाग चौक मिलन होटल के समीप तंजीब कुर्ता कलेक्शन किफ़ायती कीमत पर बेहतरीन कुर्ता और पैजामा शेरवानी के लिए बेहतर विकल्प है।
इसी को ध्यान में रखकर तंजेब कुर्ता कलेक्शन ने ग्राहकों की सुविधा और डिमांड पर अपनी दूसरी ब्रांच कलमबाग चौक स्थित मिलन रेजिडेंशियल से सटे खोलने जा रही है, जिसका उद्घाटन 13 जून सोमवार को भोजपुरी के जाने माने स्टार और भाजपा सांसद मनोज तिवारी मृदुल के द्वारा किया जाएगा। तंजेब कुर्ता कलेक्शन के प्रोपराइटर हसन अब्बास ने बताया कि हमारे यहाँ सभी रेंज का कुर्ता, पजामा, शेरवानी, कोट पैंट, नकाब और भागलपुरी कुर्ता उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि तंजेब कुर्ता कलेक्शन से लोग शादी ब्याह के कपड़े के अलावा फेस्टिवल लुक के रेडीमेड कपड़े खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया कि कपड़े के विस्तृत रेंज उनकी शॉप में उपलब्ध रहेगी। ये प्रोग्राम 13 जून 2022 को ओपनिंग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री मनोज तिवारी जी स्वीता काटकर ओपनिंग करेंगे, इनोग्रेशन का काम उनके हाथों से होगा और बस सोमवार बहुत कम समय है हमारे शहरवासियों के लिए। ये स्पेशली हमारे मुजफ्फरपुर शहरवासियों के डिमांड के हिसाब से इस दुकान को ओपन किया जा रहा है। उनकी बहुत ख्वाहिश थी, बहुत रिक्वायरमेंट थी कि भैया एक बड़ी दुकान एक शोरूम के लुक में होनी चाहिए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इस छोटी सी दुकानों को हम लोगों ने सजाया है सब शहरवासियों के लिए। और उनसे आग्रह है कि वो आएँ और एक बार ज़रूर सेवा का अवसर दें हमें। ये बहुत ही अलग है, बहुत भव्य रेंज लेकर आए हैं यहाँ पे, भव्य कलेक्शन के साथ, कुछ बड़ा है बस उस दुकान से, लेकिन प्रेम और रेंज सब कुछ सेम है, कोई टेंशन नहीं है। रेंज भी सेम होगा, रेट भी सेम होगा, बस थोड़ा क्वालिटी में वाइड किया गया है। हाँ, एथनिक वेयर का बहुत बड़ा रेंज है हमारे पास, शेरवानी, बच्चों की शेरवानी, कोट पैंट्स, बच्चों का कोट पैंट्स, पार्टी वेयर कुर्ता, बंडी सेट्स, यानी आप समझिए कि पूरा दूल्हे को सजाने का काम जो है वो हमने रख रखा है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, पूरे शहरवासी जानते हैं कि बैंक रूम में हमारा ऑलरेडी एक दुकान है। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान के खिलाफ जदयू नेता राजू नैयर ने मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह विवाद बिहार भी पहुंच चुका है। बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में भाजपा से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और यति नरसिंहानंद पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर कराया गया है, जिसमें धारा 153, 292, 505, 124A, 120B, 420, 34 के तहत परिवाद दर्ज कराया गया है। यह परिवाद जदयू नेता राजू नैयर ने अधिवक्ता मनोज कुमार सिन्हा के माध्यम से दर्ज कराया है। इस बारे में जानकारी देते हुए परिवादी एम राजू नैयर ने बताया कि यह लोग धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर दंगे करा रहे हैं, ऐसे लोगों को तुरंत जेल में डाल देना चाहिए, इसलिए हमने न्यायालय में पेश किया है और हमें विश्वास है कि इन पर कार्रवाई होगी। आज हमने एक परिवाद दायर किया है, उसका उद्देश्य यह है कि बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल और भी इस तरह के जो है जो असामाजिक तत्व का काम करके जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अभद्र टिप्पणी करने की वजह से आज पूरा देश शर्मसार हो रहा है, इसी टिप्पणी गलत टिप्पणी को लेकर आज कानपुर में दंगा हो रहा है, तो ऐसे जो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को जो है तुरंत जेल में डालने का काम होना चाहिए और इन लोगों को फांसी होना चाहिए कि ऐसा देश में जो उन्माद फैलाता है और देश की हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम करता है, देश की एकता अखंडता आपसी भाईचारा को तोड़ने का काम करता है, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में क्या, इस देश में क्या, इस सरजमी पर रहने का कोई हक नहीं है, ऐसे लोगों को कानून जो है पूरा अपने सम्मत कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। हम लोगों ने आज मुजफ्फरपुर में केस किया है, अगली तिथि जो है 21/6 को है, हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से सम्मन जाएगा और ये तीनों लोगों को जो है न्यायालय में कोर्ट में लाके इन लोगों को जेल में डालने का काम होगा। पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि कोर्ट ने मामले को स्वीकार करते हुए 21 जून को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है। यही है कि एम राजू नैयर के द्वारा एक परिवाद लाया गया है जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अगली तारीख 21/6/22 को रखी है। इसमें 153 धाराएं हैं, 292, 505, 124A, 120B, 420, 34 IPC के तहत दर्ज किया गया है। इसमें मामला यही है कि तीन अभियुक्त मुख्य रूप से बनाए गए हैं, जिसमें हैं नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल
और तीसरे हैं यति नरसिंहानंदन। तो इन लोगों के ऊपर जो धार्मिक ठेस पहुंचाना, जो एक मोहम्मद साहब पैगंबर हैं जिनके बारे में अनाप शनाप कह करके और देश द्रोह का मुकदमा जो लाया गया है वह न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और इससे सामाजिक विषमता फैल सकती है, इसलिए ऐसा मुकदमा लाया गया है ताकि इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सके। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट www.geniusclasses.in और ईमेल अस ऑन info@geniusclasses.in। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशयों को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ाघाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ाघाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ाघाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहाँ नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है, आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं।
International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारे। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 8757652616 एंड 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा दो पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज़ सब ब्रांड में है। टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में दो बार स्नान कराना, और कुछ गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गाँव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं, बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते। हम आपकी सब बात मानते हैं, गर्मियां लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो, चमकी बुखार को पहली चमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ, चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं, चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं, और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं, और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए,
बच्चों को कुछ ना कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं, और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए, यदि उनको ससमय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है, और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें, और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सरी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिला कर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए, और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं, हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है, और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में, और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल न आने दें, और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उसे चिकित्सा करके ठीक कर सकें, इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। गुरुवार की देर रात काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला में बाइक सवार दो अपराधियों ने सरेआम एक युवक को गोली मारकर घायल किया। काजीपुर थाना क्षेत्र के आमगोला स्थित महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी के बगल में मुर्गा दुकानदार के स्टाफ रोहित कुमार को बाइक सवार दो अपराधियों ने गुरुवार की रात करीब 11 बजे गोली मार दिया। फायरिंग में दो गोली रोहित के कमर में लगी है। गंभीर स्थिति में उसको SKMCH में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना को लेकर आमगोला इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। रोहित आमगोला स्थित सत्संग गली का रहने वाला बताया गया है। वह कारोबारी संतोष शाह का स्टाफ है। रोहित का बड़ा छोटा भाई रोशन और संतोष समेत कई अन्य लोग पुलिस के साथ उसको SKMCH में भर्ती कराया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर रात मुर्गा बेचने के बाद जो खाल बचा हुआ था उसको वह ट्रैक्टर एजेंसी के बगल में कूड़ा डंपिंग स्थल पर फेंक रहा था। इसी दौरान बुलेट बाइक सवार अपराधियों ने रोहित के करीब पहुंचकर कई राउंड फायरिंग की। इस घटना में रोहित को दो गोली लगी है, एक कमर में तो दूसरी बाजू में। इसके बाद दोनों अपराधी तेजी से आमगोला की ओर भाग निकले। सूचना मिलने पर काजी मोहम्मदपुर पुलिस मौके पर पहुंची। जख्मी को खुद पुलिस SKMCH ले जाकर भर्ती कराया। मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। रात हम गए थे तो बचवा को देखे गिरा हुआ आमगोला ओरियन क्लब गिरा हुआ था, उसको उठाए, उसमें पुलिस की गाड़ी आ गए, जिप्सी लादे ले गए मेडिकल, मेडिकल से लिया जानकी हॉस्पिटल। क्या जानकारी, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? जानकारी अभी तक कुछ है उनको नहीं मिला। गोली वोली मारा है? तो गोली मारा है तो वही गोली मारा है, लेकिन मारा कौन सही नहीं जानकारी नहीं मिल रहा। दुश्मनी दुश्मनी तो लड़का किसी से हो ही नहीं सकता। क्या करता है? क्या करता है? मुर्गा दुकान पर नौकरी करते हैं। संतोष जी करेंगे। कितना साल से काम करते? लगभग 15-20 साल से काम करते। कै बजे लौटता था घर पे? 11-12 11-12
ग्यारह से सही हुआ, 12 बजे से पहले लौट जाता है। कचरा फेंकने जा रहा है? कचरा फेंकने जा रहा है, मुर्गा के खली भी फेंकने जा रहा है। मार दिया ना? किसी पर है क्या? तो हमको किस पर शक रहा है? कोई से दुश्मनी है ना, शक किस पर करे? क्या करते हैं? खेला चला। क्या नाम है आपका? बबलू सा। बेटा का नाम? रोहित सा, रोहित कुमार। कितना उम्र होगा? 25 साल। इधर शुक्रवार को प्रभारी टाउन डीएसपी थानेदार और जिला पुलिस की विशेष टीम के साथ अघोरिया बाजार से लेकर आमगोला समेत कई इलाकों का सीसीटीवी खंगाला गया, जिसके आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। डीएसपी सियाराम यादव ने बताया कि अब तक घटना का वजह पता नहीं चला है। गोली से जख्मी युवक महज 20 साल का है, 2 गोली लगी है, निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सूचना मिली कि विगत रात्रि 11:10 के आसपास एक व्यक्ति जो बुलेट पर सवार होकर आए, मुर्गा व्यापारी के स्टाफ को जो है पर 2 फायरिंग किए, जिससे उनके हाथ और कमर के अंदर लगी है। उनका इलाज चल रहा है, हम लोग सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, अभी पहचान कर रहे हैं और पहचान होने के बाद खंगाला गया। अपराधी किस तरह से दिख रहे और कितने की संख्या में आए थे? अभी जिसे वो बताया है जो घायल व्यक्ति हैं, वो कि सिंगल थे, बुलेट पर सवार थे, और बाकी हम लोग सीसीटीवी फुटेज से उसका कोरोबोरेशन कर रहे हैं, उससे और पूछताछ अभी करेंगे। अभी कितनी गोली लगी है? 2 गोली लगी, 2 का बरामद हुआ है। इलाज चल रहा है? नहीं नहीं, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, जाँच चल रही है। धन्यवाद, थैंक यू। मिठनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी द्वारा अध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण वर्ष की लॉन्चिंग कार्यक्रम शुक्रवार को मिठनपुरा रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। ब्रह्म कुमारी की अंजू बहन ने कहा कि इस वर्ष की सेवा का थीम है दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, हर परिवार में, हर देश में और पूरे विश्व में अभी जो हालात बन रहे हैं नकारात्मकता के, आपसी भेदभाव के, इसका कारण है दया का अभाव और प्रेम का अभाव। आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय थीम जो दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण निर्धारित किया गया था, इसी का जब मुजफ्फरपुर में लॉन्चिंग प्रोग्राम था, इसमें मुख्य रूप से माउंट आबू से हमारे कार्यकारी सचिव डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी पधारे थे मुख्य वक्ता के रूप में। तो आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, द पार्क होटल में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक चला, जिसमें मुख्य रूप से शहर के विभिन्न क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति पधारे, अनेक राजनेताएं, एमएलए, सांसद और बुद्धिजीवी वर्ग थे। उसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी थे और भी अनेक क्षेत्र के सभी थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आज दया और करुणा के सारे विश्व में अत्यंत आवश्यकता है, इसी के अभाव में इतनी हिंसा बढ़ रही है, मनुष्य मनुष्य के लिए खतरा रखा हुआ है और विश्व में अशांति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आध्यात्मिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है, एक दूसरे के प्रति दया और क्षमा करुणा का भाव रखें, तभी यह हिंसा खत्म हो सकती है और प्रेम एकता भाईचारे की भावना कायम हो सकती है। इसमें सामूहिक रूप से सभी ने प्रतिज्ञा भी की कि हम हर प्रकार के भेदभाव को भुलाकर दया और करुणा कायम रखेंगे, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति। अमन चैन को स्थापित करने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे, ऐसा सभी ने प्रतिज्ञा भी की है। सरकार द्वारा निजी अस्पतालों पर फीस निर्धारित किए जाने के बावजूद निजी अस्पतालों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। निजी अस्पतालों में इलाज और फीस को लेकर हंगामा आजकल आए दिन की बात बन गई है। निजी नर्सिंग होम की मनमानी थमती नहीं और फीस को लेकर बखेरा खड़ा होता ही रहता है। कई बार बात इतनी बिगड़ जाती है कि पुलिस बुलानी पड़ती है। कोविड संक्रमण के समय निजी अस्पतालों ने मरीजों से मनमानी फीस वसूली, जिसे सरकार ने कई बार इसको रोकने के लिए अस्पतालों में इलाज की फीस तय कर दी।
फिर भी मनमानी नहीं रुकी। आजकल शहर से लेकर गांव तक हर जगह प्राइवेट अस्पताल खुल गए हैं और निजी अस्पताल मरीजों को फीस के नाम पर रुला देते हैं। शहर में फीस को लेकर आए दिन बवाल होता ही रहता है। हालांकि इसको लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2020 में ही एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम अपने यहाँ उपलब्ध चिकित्सा सेवा की फीस की लिस्ट टांगेंगे। लेकिन 2 वर्ष से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद किसी अस्पताल या नर्सिंग होम ने अपने यहाँ फीस की लिस्ट नहीं टांगी। जब इस मुद्दे पर जिला के सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सभी निजी अस्पतालों से एक बार फिर से पत्र भेजकर इसको लागू क्यों नहीं किया गया, इसके लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे संबंधित हमारे लिपिक हैं, उनको बुलाकर निर्देश दिया हूँ। 2020 का जो पत्र था निदेशक प्रमुख का था, मैं उसे वाकिफ नहीं था, लेकिन जानकारी लिया और पुनः उन लोगों को स्मारित कर रहे हैं कि क्यों नहीं अभी तक ले इस तरह का हुआ, और उन लोगों का आदेश नया कर रहे हैं। कल मैं पत्र दूंगा कि इसका अनुपालन प्रतिवेदन वो लोग दें और सभी लोग अपना रेट जो है अपना फ्रंट पे ही रेट लगाएं कि किसका चार्ज कितना होगा। देने के बावजूद भी मरीज जो है वह प्राइवेट अस्पतालों पर ही भरोसा कर रहे हैं, थोड़ा सा लोगों को अभी हम लोगों पर विश्वास कम है या कहीं ना कहीं से बरगलाए जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा का थोड़ा सा ज़रूरत है। जैसे ही हमारी आम जनता शिक्षित हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कि प्राइवेट और सरकारी संस्थान में सरकारी संस्थानों से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध है और ज़्यादा उनको लाभ मिलेगी, निःशुल्क लाभ मिलेगी, तो हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। इस दिशा में मैं प्रयासरत हूँ। इस तरीके से जो गुंडाई की जाती है प्राइवेट अस्पतालों द्वारा, बार बार मरीजों को परेशान किया जाता है पैसों के लिए, तो इसको लेकर क्या कुछ करेंगे? इसमें मैं केवल जागरूकता के चक्कर में हूँ कि जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी, हर एक आदमी को पीछे जो दलाल लगे हुए हैं, जो उठा कर ले जाने वाले हैं, तो उसमें ऐसा कुछ मैंने हम लोगों के पास तंत्र नहीं है कि उसको रोका सके। पब्लिक जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक इसमें नहीं होगी। इससे प्रशासन इसमें लगी हुई है, अब कहाँ तक सफल हो पाते हैं आने वाला समय बताएगा। भाजपा OBC मोर्चा द्वारा मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर धसौट गाँव में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पर्व के तहत शुक्रवार को भाजपा OBC मोर्चा के द्वारा मीनापुर प्रखंड के घसौत गांव में मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन सांसद अजय निषाद और OBC मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। वही 151 छात्र छात्राओं को पचन पाचन सामग्री और पौधा देकर सम्मानित किया गया। मौके पर उपस्थित जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत 14 जून तक चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। साल पूरे होने पर सेवा सुशासन गरीब कल्याण पर्व जो है पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा मुजफ्फरपुर के द्वारा आज मीनापुर प्रखंड के घोसौद गांव में प्रतिभा सम्मान सभा का आयोजन किया गया था, जिस कार्यक्रम में उद्घाटन आदरणीय दीप प्रज्वलित कर आदरणीय सांसद अजय निषाद जी ने किया है। देखिए, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि मोदी जी के जो 8 साल पूरे हुए हैं, उस 8 साल में सरकार ने किस किस योजना का शुभारंभ किया और किन किन लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है और कौन कौन लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उसी कड़ी में कई वर्ग के कई क्षेत्रों के लोगों को बुला कर सम्मानित किया जाता है। उसी कड़ी में आज यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जो इस मीनापुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से सैकड़ों छात्र छात्राएं जो अपने अपने वर्ग में जो अव्वल किए हैं और जो अपने स्कूल में अव्वल किए हैं, चाहे जो जिला में अव्वल किए हैं, वैसे छात्र छात्राओं को उनको पठन पाठन का सामान और एक पौधा देकर उन्हें सम्मानित करने का काम किया गया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
हैं।